देखो हम बगीचे में आ गए हैं, छोटा सा बगीचा में। अभी बड़ा पेड़ में बहुत आम है, छोटा पेड़ में भी आम है। अब इसमें से 5-10 गो आम तो लेते घर ले जाके चटनी लगाएंगे। मनीष कैसा लगा, अभी गांव में एंटर नहीं किए हम लोग, बता। ठीक है, ठीक है। हम सोचे थे कि इसको नहा देंगे नदी में, लेकिन पानी है नहीं, यहाँ कूद के नहाएगा का? नहीं भाई, उधर होता है ना भाई, मिठाई मिठाई है। नहीं देखो, बहुत सारा हम तोड़ लिए। तो गाइस यार, ना अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आज है 10 मई। और इसको देखो बरस कर रहा है। हाँ ठीक है, करो। तो मैं ना अभी फिलहाल नहा धो हो चुका हूँ तैयार, क्योंकि जा रहा हूँ मैं गांव। कल आपको पता था पिछले वीडियो में मैंने एक नया फ़ोन लिया था पापा जी के लिए, तो फ़ोन में अच्छा खासा सारा सेटअप कर दिया। कवर कमेंट करना कि कैसा लग रहा है। तो सब सेटअप हो चुका है फ़ोन में, बस अभी लॉक लगाना बाकी रह गया। लॉक तो वो जाके जो उनको सेट करना होगा वो खुद ही कर लेंगे, फिंगरप्रिंट उनका खुद जाके ऐड कर दूंगा। तो अभी मैंने मनीष को कॉल किया है, तो उसको बुलाते हैं, क्योंकि अकेले जाने में भाई मन नहीं लगता यार, जाना है और आना है तो क्या ही मतलब टाइम लगना उसमें। तो फिलहाल निकलते हैं, ऐसे चलते हैं गांव और पापा जी को फ़ोन देते हैं, शायद पैसे मिल जाए कुछ उधर से। तो अभी ना मनीष को बुलाए हैं, वो आ रहा है और निकलते हैं गाड़ी से, यहाँ से चलते हैं गाँव। भाभी जी बाय बाय। क्या कर रही हो आप? नहीं कुछ। अच्छा जी, तुम क्या कर रहे हो बच्चा? हैगेज कर दो एक बार। हेलो यार, देखो आ गया ही मोटका मनीष, एकदम चोंमू लग रहा है हेलमेट पहन के। तो भी कोई नहीं, अभी हम ही हेलमेट पहनते हैं और निकलते हैं। सबसे पहले मार्केट चलते हैं, और सामान लेना है, कवर लेना है छोटा मोबाइल का। रुकेगा जी हैं? बाय। चॉकलेट भाई अभी निकले नहीं है घर से, बहुत उसका डिमांड आएगी चॉकलेट लेके आना। चलाएगा गाड़ी की? चलाएं? चल चला। नहीं चलेगा। ए भाई चलाओ ना। रुपया मिल जाता है दिन के। तो ये बैठते गाड़ी में और निकलते हैं और चलते हैं गांव। A few moments later. गाइस यार देखो, हम घूमते घूमते जो है घूमते घूमते क्या गांव जाते जाते पहुंच चुके अपने कॉलेज के पास, यानी घर पर भी 15 किलोमीटर दूर। ये रहा हमारा बंजारा कॉलेज। भाई साहब अभी इस कॉलेज में कोई दिख नहीं रहा, आएंगे एक दो दिन बाद कॉलेज में घूमने फिरने आएंगे। पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें, अभी टीचर जो है वो वैकेशन पे गए हुए, अभी तो छुट्टी चल रहा है हम लोग का, तो कोई पढ़ाई वढ़ाई चल नहीं रहा है। तो इधर ही इधर फिर कभी इधर कभी पटना घूम ले रहे हैं। क्या मनीष पढ़ने आने की इच्छा करता है तुमको जी? अरे भाई साहब कॉलेज हमारा ऐसा जगह है बताओ, तो इस रोड में कुछ भी नहीं है यार, मतलब एक तो गांव साइड पर जाता है, मजा नहीं, फीलिंग ही नहीं आता है कि हम कॉलेज भी जा रहे हैं, लगता है कि एक स्कूल में जा रहे हैं ना मनीष भाई। तो कोई नहीं, कभी कभी अच्छा भी लगता है, क्योंकि ग्रीनरी देख के जो है ना रोड का, मतलब दोनों साइड पेड़ और बीच में रोड, ये देख के सीन काफी अच्छा लगता है। तो आगे चलो, मैं आपको सीन एंजॉय कराऊंगा काफी अच्छा सा, क्योंकि मतलब दोनों साइड पेड़ है और पेड़ पे भाई सब अच्छे से मतलब फूल लगा हुआ है, जो कि काफी अच्छा देखने में लगता है। और वो कौन सा पेड़ है हमको पता है नहीं, अगर आपको पता हुआ तो कमेंट करके बताना। तो फिलहाल चलो चलते अभी आगे और आपको वो पेड़ दिखाते हैं और सीन भी एंजॉय करवाते हैं। ना हम घर के पास वाली नदी में क्या, घर पे पास जो नदी है वहाँ पहुँच गए हैं। और भाई जैसे मतलब नदी के रास्ते इस बार आए हैं ना, तो मतलब देखो नदी में पानी है ही नहीं, मतलब उधर कुछ कुछ पानी दिख रहा है और जहाँ से गाड़ी वाड़ी क्रॉस करता है वहाँ तो मतलब थोड़ा सा ही पानी है भाई साहब। पिछली बार जब आए थे भैया की शादी में, तो वहाँ पर तो भाई नदी में पानी इतना था कि मतलब पैंट पूरा उतारना पड़ता था और भर जाता था पानी, मतलब जाने में बनता ही नहीं था। और अभी इधर भी सूखा हुआ है, उधर भी सूखा हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मछली वछली दिख रहा है और मनीष वही देख रहा है। क्या मनीष कैसा लगा, अभी गांव में एंटर नहीं किए हम लोग, बता। ठीक है, ठीक है। हम सोचे थे कि इसको नहा देंगे नदी में, लेकिन पानी है नहीं, यहाँ कूद के नहाएगा का? नहीं भाई, उधर होता है वो लगा हुआ है मिट्टी कटने के लिए, वो बोरा मिट्टी कटने के लिए लगा हुआ है। देखो मछली अभी वहाँ पर कूदा, मारेगा मछली? मारेगा तुम मछली मारने आता है? चलो भाई साहब धूप में बैठो जल्दी, अभी चलते हैं घर और पापा जी को नया फ़ोन दिखाते हैं। ना हम पहुंच चुके थे घर और घर पहुंचे हैं को मतलब लगभग 1.5-2 घंटे यहाँ पे रुक गए। और ये देखो स्वाति दादी यहीं बैठी है, मोबाइल कैसा लगा? अच्छा लगा। तो सबको मोबाइल वाइल दे दिए। और देखो घर के सामने भाई साहब मस्त एकदम
बहुत सारा आम फरा हुआ है, अच्छे से दिखाते हैं कितना अच्छा है आम भाई साहब। छोटा सा पेड़ है और बहुत सारा आम इसमें फरा हुआ है, ऊपर तक नीचे सब एकदम भरा हुआ है। तो फिलहाल अभी जो है ना आम वाम यहाँ से लेते हैं, और मकई उकई सब गोलू उराई लगा के रखा है। वो गोलू जो है मेरे साथ आया नहीं, वो वही रह गया था। तो दो चार आम लेते हैं, झोला पैक करते हैं। आम लेगा भाई है, तोड़ लेना झोला है ना। आम लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई साहब काफी ज्यादा टाइम हो गया, लाइब्रेरी चलेगा यहाँ से। तो चलो फिर देखो, हम बगीचे में आ गए हैं, छोटा सा बगीचा में। और ये बड़ा पेड़ में बहुत आम है, छोटा पेड़ में भी आम है। अब इसमें से 5-10 गो आम तोड़ लेते, घर ले जाके चटनी लगाएंगे। नीचे से थोड़ी ही ना रे, हम आप बोलते हैं, हम पहुंच सब गंदा है रे, रह दी हम पहुंचा देबो, गिरा ही हमारे घर है रे। दूसर कैसे जाए, मतलब पकते ही ना भाई, गिरा लेगो रहे एगो थी रही अंधवा में गिरे तो पहुंचा देबो। है हाँ, मतलब चुरावित नहीं तो मतलब का है, चल खट्टा ही रे, खट्टा है तो खा के देखिए ना भाई, मीठा है, मिठाई है ना है। देखो बहुत सारा हम तोड़ लिए, चल क्या ना। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर, और घर आते आते भाई साहब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तो फिलहाल अभी चलते हैं नहा लेते हैं, क्योंकि भाई पूरा मतलब धोल धकर से सब शरीर खराब हो गया। तो चलो चलते हैं बाथरूम में और नहा के फ्रेश होकर निकलते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। ना मैं नहा धो के हो चुका था मस्त एकदम तैयार, और अभी आ रहा हूँ जस्ट मार्केट एक दौल लेके, क्योंकि खाने का मन था तो सोचा कि चलो लेते हैं। और भी एक काम था, देखो जो मेरा एक रेडमी वाला फ़ोन था उसके लिए एक नया कवर लिए है, नया कवर नहीं है पुराना है, तो ये फेंक दो, और नया कवर ये रहा रेडमी वाले फ़ोन के लिए। और भाई इसमें गए थे टेम्पर इंस्टॉल करवाने, टेम्पर इंस्टॉल हुआ नहीं, बट उसके जगह पे कवर ले लिया, कोई नहीं टेम्पर जो है कल परसों तक इंस्टॉल हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो फ़ोन है ना ये गोलू को देना है। तो फिलहाल के लिए अभी चलते हैं रोल खाते हैं और फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि आज पूरा दिन भाई साहब गाड़ी चला के एकदम थक चुके हैं, तो अभी रोल खा के एनर्जी बना लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। तो गाइस जाना अभी हो चुका है शाम, और देखो शाम क्या मतलब रात ही हो चुका है, डिनर का टाइम। और रुद्रा जो है मतलब अभी लेके आया स्ट्रिंग, हम पी ले हाँ, तुम पिया है कितना मीठा है भाई साहब। तो अभी ना कुछ देर में हम लोग जो है चलने वाले हैं डिनर करने के लिए, उससे पहले अभी हम गैलरी में बैठे हुए हैं, क्योंकि गैलरी में मतलब कल परसों से ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। हाँ चोट लग गया, तो बोलो कि हमको चोट लग गया। तो अभी गैलरी में आज जब मतलब सोचे कि चलो बैठ के ठंडा हवा लगेगा, तो हवा चल ही नहीं रही। दिखाना भाई जी थोड़ा पेड़, देखो एक भी पेड़ का पत्ता जो है वो अच्छे खासे से हिल नहीं रहा, जो कि मतलब चले थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, बट रूम से तो अच्छा है, रूम में बैठने से अच्छा है, रूम में बैठने से अच्छा है कि बाहर गैलरी में बैठो आराम करो। तो मस्त अभी चलते हैं नींबू वाला चाय पियेंगे, उसके बाद फिर अभी क्या मैं नहीं गिरूंगा भाई, कहाँ चोट लगा तुमको, तुम कैसे जी ने ना मतलब सर पे चोट लग गया है। हाँ। तो तुम घूम रहा है, जाके सो जाओ, नहीं बदमाशी करेगा। तो फिलहाल अभी ना कुछ देर में चलते हैं नींबू चाय पीते हैं और फिर चलते हैं मस्त एकदम डिनर करने। और बिचारी भाभी जी, क्या जी मैडम, व्हाट आर यू डूइंग इन गैलरी, आप क्या कर रही हैं बरामदे में, बरामदे में बाहर के बाहर गैलरी में बोल लीजिए, ये लोंडा बोल रहा है। ए बाबू एक बार कुछ बोलो तो, एक बार बोलो हाय गाइस, सब्सक्राइब, बाय, गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ डिनर करने, ठीक है चाचू। हम ही को बोल रहा ठीक है चाचू। तो कोई नहीं, आईफोन चार्ज लगाते हैं और चलते हैं डिनर करने। आज के इस वीडियो करते वक्त मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।